निरहुआ रिक्शा वाला के बाद फिर से एक बहुत बड़ी हिट दी पूरी टीम ने मिलके, तो भगवान करे ये सिनेमा मोकामा जीरो माइल एक बेहतरीन सुपर डुपर हिट हो, यही मेरी शुभकामना है। सर, किस तरह से किरदार रहने वाला है इसमें आपका? मुझे अभी किरदार के बारे में उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे पटना टू पाकिस्तान में आपको अलग किरदार दिया गया था, बस ऐसे ही कुछ अलग किरदार इस बार दिया जाएगा। और मैं संतोष मिश्रा से कभी रोल नहीं पूछता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि संतोष मिश्रा मुझे जो देंगे वो अच्छा ही देंगे। सर, बात करें जो है दो लाइन आपका संवाद हो जाए पटना से पाकिस्तान वाला। पटना टू पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा सीन है, जब वो बोलते हैं उधर से पाकिस्तान से फ़ोन आता है कि अरे तूने ट्रक में हथियार भेजा था, वो तो गुड़ भेजा था, वो तो हथियार निकल गया। तो मैं बोलता हूँ भाई मैंने तो यहाँ से हथियार ही भेजा था, मैंने तो यहाँ से गुड़ ही भेजा था, उधर हथियार निकल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे गालियाँ देता, तो मैं बोलता हूँ धमकी ना आए। जब तक इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, जब तक सारा मामला सॉल्व ना हो जाए तब तक फ़ोन मत करना। टी टी पू पापी पू खुदा वालेकुम प्रणाम। सर, वालेकुम प्रणाम का ये आइडिया कैसे आया आपको? वालेकुम प्रणाम का आइडिया ऐसे ही अचानक आ गया, मैंने डबिंग में डाला उसको। शूटिंग में मैंने वालेकुम सलाम ही बोला था, लेकिन डबिंग में मेरे दिमाग में आया कि वालेकुम प्रणाम बोलूँ, और इतना हिट हुआ है। कभी मैं बिहार गया था तो पब्लिक चिल्ला के बोलती थी वालेकुम प्रणाम, इतना बड़ा हिट हुआ है। बता सर, चाचा के एक नया रूप देखने को मिला पटना से पाकिस्तान में, वालेकुम प्रणाम हिट हुए। जी जी, देखिए अभी क्या है, मैं एक कलाकार हूँ, मेरे अंदर बड़ा कुछ छुपा हुआ है। मुझे इसी तरह के अलग अलग किरदार करना, मैं सिर्फ कॉमेडियन नहीं बनना चाहता, मैं हर तरह का किरदार करना चाहता हूँ, चाहे विलन हो, कॉमेडी हो, बाप का रोल हो, चाचा का रोल हो। मैं मतलब अगर हिंदी में पूछा जाए किसी एक्टर की तरह, तो मैं परेश रावल जैसा किरदार करना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ, पंकज कपूर जैसा बनना चाहता हूँ। आगे प्रोजेक्ट वाले क्या क्या, किस किस रोल में नजर आने वाले हैं? अभी आगे में तो मुकामा है, इसके अलावा राजकुमार पांडे की दुलारा है, और राजा डोली लेके आजा बैंड बजाए पवन राजा है। इसके अलावा बलमुआ तोहरे खातिर एज मेन विलन, हार्डकोर विलन में आने वाला हूँ, शूटिंग कंप्लीट है, ये सारी फिल्में हैं। अभी फिल्म रिलीज हुई है पटना बिहार में चल रही है हमसे बढ़कर कौन, उसमें भी आपके अलग रूप देखने। जी, हमसे बढ़कर कौन भी अच्छा रिस्पॉन्स है, बता रहे लोग अच्छा। उस सिनेमा को लिखा भी मैंने, उसका डायलॉग राइटर भी मैं हूँ, और उसमें अलग फुल कॉमेडी है और लोग अच्छा। आपका किरदार भी अलग दिख रहा है उसमें। हाँ, वो सलमान खान का कॉपी करता है, बड़े बड़े बाल, उसमें जैसे बोलता है कि एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ तो खुद की भी नहीं सुनता हूँ, इसमें बोलता हूँ एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ तो घंटा किसी को नहीं सुनता हूँ। सर, एक फिल्म हो जाएगी वो तो किरदार में तभी आता है कि हमारा नाम बतासा है, हम एक बार कमिटमेंट करते नहीं तो घंटा के हुक्ना सुनी ला। 80 किलोमीटर में मैं भी हूँ, और जैसा कि सुनना है मैं सेकेंड हीरो का रोल कर रहा हूँ। सुजीत भैया बोल रहे थे कि एक दिनेश जी हैं, दूसरे आप हैं, तो कहानी आप पे ही शुरू होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये फिल्म पूरी तरह स्टोरी अभी पता नहीं है। बात करें सीपीआई मूवी जो सुजीत की, एक्सप्रेस, संग्राम, और ये तीसरी फिल्म है उनकी, मैं तीनों फिल्म कर रहा हूँ, पहले भी दो फिल्म कर चुका हूँ, और सुजीत जी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है मेरे, छोटे भाई के समान मानते हैं। शूटिंग हो या नहीं हो हम लोग मिलते रहते हैं, कहीं पार्टी वार्टी भी करते रहते हैं, मस्ती करते हैं। और दर्शकों से क्या कहेंगे? और दर्शकों, आई लव यू अलॉट, आप लोग भी मुझे हमेशा जैसा प्यार दिया है आगे भी वैसा ही प्यार देते रहिए। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक अच्छे सीरियल में आ रहा हूँ, रजिया सुल्तान, अदालत और CID। थैंक यू सो मच, लव यू। सर, बात करें मुकामा 0 किलोमीटर की आज हो रही शुरुआत, तो क्या कहेंगे आप? बस बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सुजीत तिवारी जी, संतोष मिश्रा जी, तमाम पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। एक अच्छी फिल्म की शुरुआत होने जा रही है, नाम से ही जाहिर है कि कुछ डिफरेंट स्टोरी है इसका, और भोजपुरी में अभी एक डिफरेंट चीज़ों की तलाश है, दर्शकों को भी और मेकरों को भी है, तो एक फिल्म इस रास्ते के लिए एक अच्छा मजबूत स्तंभ साबित होने वाला है जैसा लगता है, नाम देख करके और इसकी जो कहानी है, पटकथा है, बहुत अच्छी फिल्म साबित होने जा रही है। बात की जाए इसमें किरदार किस तरह से निभाने वाले हैं? अब वो तो अभी वक्त है,
अमूमन जिस तरह के किरदार निभाता हूँ उसी तरह के किरदार होगा। तो अभी अपने किरदार के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक फिल्म का हिस्सा है, यही काफ़ी है कि एक अच्छी फिल्म अच्छे बैनर तले बन रही है, प्रोड्यूसर अच्छे हैं, डायरेक्टर अच्छे हैं, पूरी टीम अच्छी है, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। CPI मूवीज़ के बारे में क्या बोलूँ मैं, बस यही बोलूँगा कि आज भले ही इन्होंने CPI मूवीज़ रखा है लेकिन कहीं ना कहीं से इनके पूर्वज जो है भोजपुरी की शुरुआत ही करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले रामायण तिवारी जी थे, भूषण तिवारी जी थे, लेकिन भोजपुरी की शुरुआत जो पहली फिल्म बनी उसका नींव और पहला पत्थर रखने वाले रामायण जी हैं और उन्हीं के वंशज हैं हमारे सुजीत तिवारी जी। तो उनको तो विरासत में सारा चीज़ मिला है और ये अच्छी बात है, उस विरासत को आज भी वो भली भांति निभा रहे हैं और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की की ओर ले जा रहे हैं और उसी तरक्की की राह में एक मुकामा जीरो माइल भी है। इसके पहले इन्होंने संग्राम किया था जिसमें मैं विलन हूँ, जाने दुश्मन है और भी बहुत सारी फिल्में हैं। CPI मूवीज अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और भोजपुरी के लिए एक बहुत मजबूत स्तंभ है, तो बधाई देना चाहूँगा CPI मूवी को, बहुत बहुत बधाई हो। इसी तरह से अग्रसर तिवारी जी के नाम को आगे दर आगे बढ़ाते रहें और मजबूत करते रहें। सर बात करें संग्राम की, उसके लिए क्या कहेंगे? संग्राम के लिए कहूँगा कि उसका हिस्सा मैं हूँ तो जाहिर सी बात है अच्छी फिल्म होगी और वाकई अच्छी फिल्म है। मुन्ना जी, जगदीश शर्मा जी जितने सुलझे निर्देशक हैं उन्होंने बड़े खूबसूरती से उस फिल्म का निर्माण किया है। पवन जी हैं, विराज जी हैं, मैं हूँ, टीम अच्छी है उस फिल्म की, कहानी पटकथा बहुत अच्छी है और मेकिंग तो मुन्ना भैया का बहुत अच्छा होता है, जगदीश शर्मा जी का। तो फिल्म और CPI मूवी बैनर तले बन रही है तो अपने आप में एक बड़ी फिल्म हो जाती है, बड़ी और अच्छी फिल्म दोनों जब साथ में हो जाए तो कुछ अच्छा ही करिश्मा करने वाली है फिल्मों। थैंक यू, प्रणाम। सर बात करें CPI मूवी की प्रस्तुति, संग्राम का सामने पोस्टर दिख रहा है, क्या कहेंगे सर संग्राम पर? आईजी निर्देशक फिल्म बारे में क्या कहेंगे, संग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? CPI मूवी प्रेजेंट कर रही है, CPI ने बहुत दिनों के बाद में फिल्म बनाई है और संग्राम में बहुत संग्राम है और बहुत अच्छी कहानी है और सबसे बढ़िया बात यह है कि सुजीत जी फिर से मैदान में आए हैं, तो ये हम लोग के ये फिल्म बनाना ही हमारे लिए एक संग्राम है। इसमें स्टार कास्ट के बारे में क्या कहना? इसमें पवन सिंह जी हैं, विराज भट्ट जी हैं, काव्या जी हैं और एक नई लड़की इंट्रोड्यूस किया हमने अमर ज्योति, और हमारे भोजपुरी के बड़े विलन हैं अपने अवधेश मिश्रा जी। बात करें CPI मूवीज के बारे में, सुजीत तिवारी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी तक जितनी फिल्में किया है सर, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ उनके सामने, मैं जितना कंफर्टेबल इनकी फिल्म इनकी शूटिंग में रहा हूँ और जो जो मैंने चाहा है मुझे इन्होंने दिया है। तो ये फिल्म देखकर आपको लगेगा कि जगदीश शर्मा की ये एक डिफरेंट फिल्म है और फिल्मों से हटकर है, ये सारा श्रेय इनको जाता है क्योंकि इन्होंने मुझे जो मांगा वो दिया। बहुत ही बेहतरीन मेकिंग हुई है और जगदीश बाबू के बारे में आपको बताता हूँ, जगदीश बाबू ने आज से जितनी भी फिल्में बनाई हैं सब बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, फिल्म फिल्मी होती है और इसमें थोड़ा हम लोग ने मिल के जोड़ी हमारी जम गई, इसके लिए हमने थोड़ा विशेष एफर्ट्स लिए इसमें और विशेष एफर्ट्स लेकर के संग्राम बनाने का हम लोग एक प्रण किए और प्रण करके दोनों भाई मिलकर हम लोग संग्राम बनाए। और इनके मेकिंग के बारे में कुछ बोलने जैसा है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कम से कम हिंदी में 6 फिल्में बना चुके हैं प्लस भोजपुरी में 8-10 फिल्म हो गई इनके साथ की हमारे, और बहुत होप से हम लोग इस फिल्म से ये इंडस्ट्री को एक ब्रेक मिले, बढ़िया फिल्म मिले। ये पारिवारिक कहानी है, इंटरनल रंजिश की कहानी है जो हर घर में चलती है। बात करें संग्राम कब तक देख पाएंगे दर्शक? हम लोग जून तक ये पर्दे पे आ जाएंगे। बस मेरा एक ही दर्शक से कहना है, दर्शक समय से एक ही शिकायत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके आप लोग फिल्म देखिए और हम लोग को बूस्ट कीजिए ताकि हम लोग और अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करें।
संग्राम के लिए सुजीत सर को, पवन जी को, सबके बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आज मोकामा 0 किलोमीटर की मुहूर्त हुई है, तो दिनेश जी के बारे में क्या बोलूँ, उनके बारे में जितना भी बोलूँ सब कम है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे लिए भी मेरी तरफ से कि मोकामा 0 किलोमीटर बहुत अच्छा बने, और जैसे आज तक इतनी सारी फिल्में सुपर टूपर हिट दिए हैं।